विपरीत निकला, सही है।
वैल्यू काउंट्स लेना पड़ेगा जिससे आपको सिंगल का टेबल मिल जाएगा, मेरिड इतना है, सिंगल इतना है, डाइवर्स्ड इतना है, दिख रहा है? तो डेटा डॉट मेराइटल डॉट वैल्यू अंडरस्कोर काउंट ये करना पड़ेगा। यदि एक से ज्यादा है, जैसे मैंने यहां लिया है रेजिमेंट और कंपनी है ना क्रॉस टेप, सो ये मैं एक दूसरा ले लिया था डेटा, दरअसल इस डेटा को अपन को लेना नहीं है यहाँ, मैं अपन ने किस नाम से माई डेटा के नाम, डेटा के नाम से किया है ना, तो मैं ये आपको बताता हूँ डेटा के हिसाब से बाय वेरिएट में। पहले टेबल को अपन देख लेते हैं, तो डेटा डॉट क्रॉस टेप, और ये क्रॉस टेप में अपन दो लेंगे, दो वेरिएबल ले सकते हो, एक में नहीं होगा। तो जैसे मैंने यहाँ दो लिए हैं, जैसे कि df regiment इस तरीके से, तो अपने इसमें जो वेरिएबल हैं अपन इसके वेरिएबल देखते हैं, अपने पास जो वेरिएबल हैं अपन इन्फो भी लिया था ना मैंने, इसका इन्फो लिया था, ये इन्फो एज सैलरी बैलेंस, हाँ अपन ऑब्जेक्ट मेराइटल ले रहे हैं, और एक ले लेते हैं हाउसिंग, ओके मेराइटल और हाउसिंग, इसको रीड करना पड़ेगा, नहीं किया अपन लाइब्रेरी, इसको रीड करना पड़ेगा ना, अपन ने रीड किया नहीं था, इसके बाद ही बनेगा। पीडी डॉट और सॉरी डेटा नहीं लिखना है ना यहाँ, तो पीडी लिखना है, डेटा तो यहाँ लिख ही रहा है ना, पांडास का है ना ये, मार्जिन इक्वल टू टू, ये अपन मेराइटल वाला जो अपना कॉलम है उसमें, मेराइटल में वाला कॉलम इधर आ जाएगा रो में, पहला वाला समझ गए, डाइवर्स मेराइटल मैरिड एंड सिंगल, और जो हाउसिंग वाला है वो यस एंड नो में आंसर है, ठीक है वो कॉलम वाइज आ जाएगा, तो इस प्रकार से आ जाएगा। और यदि अपन इसमें मार्जिन्स इक्वल टू ट्रू लेते हैं तो देखिएगा डिफरेंस, बाय डिफॉल्ट ट्रू नहीं था क्या सर वो, है बाय डिफॉल्ट फॉल्स रहता है क्या, फॉल्स रहता है, ट्रू में यह सम देगा ना दोनों तरफ, मार्जिन्स, मार्जिन्स का मतलब होता है सम देना, अच्छा अच्छा टोटल दे रहा है इन दोनों का, टोटल ये इन दोनों का टोटल, okay. ऐसे ऊपर से टोटल नीचे दे रहा है, दे रहा है ऑल, ये मार्जिन्स का मतलब हो जाता है, समझ में आ गया, यदि ऑल लेके खुद ब खुद आ जाता है क्या सर, अपने आप आ जाएगा, देखिए मैं हटा दूंगा ना नहीं आएगा, हट जाएगा है ना, हटाइए सर, देखिए अच्छा मतलब ये ऑल उन लोगों ने खुद से डाल के रखे ना, हाँ टोटल दे देगा, मार्जिन का मतलब ही होता है टोटल मार्जिन देना, यह ऑल बताता है। और यदि अपन यही मार्जिन वाला फंक्शन आर में चलाते हैं तो वहां सम देता है, ऑल की जगह सम लिखा हुआ देता है, अच्छा भाई सम भी वही हुआ ना ऑल टोटल, हाँ टोटल, तो वहां उसमें सम आता है, यहाँ पर ऑल आता है, समझ गए, ये टेबल अपन इस तरीके से बना सकते हैं। और अब बाइवेरिएट एनालिसिस की बात करते हैं, बाइवेरिएट यानी दो वेरिएबल, जैसे टेबल बनाया अपन ने दो वेरिएबल का, इसलिए मैं टेबल पहले बताना चाह रहा था कि अपन को टेबल से भी अपन डेटा देखना चाहें तो देख सकते हैं। अब बाइवेरिएट में हम बात करेंगे कि भाई स्केटर प्लॉट है, पीयर प्लॉट है, कोरिलेशन मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे, फिगर की बात करेंगे, टेबल तो बनाना सीख गए हम,
ठीक है, तो स्केटर प्लॉट की यदि हम बात करें तो स्केटर प्लॉट टेक थ्री कॉलम्स, बैलेंस, एज एंड सैलरी, ठीक है ना, फ्रॉम आवर डेटा सेट एंड सी दैट वी कैन इन्फर द प्लॉटिंग टू स्केटर प्लॉट बिटवीन सैलरी बैलेंस एंड एज बैलेंस। तो अपन सैलरी और इधर बैलेंस की बात कर, और पहले मैं इसको वो करता हूं, प्लॉट द स्केटर प्लॉट ऑफ बैलेंस एंड सैलरी वेरिएबल इन द डेटा। पीएलटी मतलब अपन मैटप्लॉटलिब से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं, मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब का फंक्शन है स्केटर, स्केटर प्लॉट के लिए डेटा डॉट सैलरी और डेटा डॉट बैलेंस इस तरह से लिखा जाता है ना। सो और प्लॉट शो लिखना पड़ेगा तब ये प्लॉट शो करेगा। स्केटर प्लॉट होता है क्या? स्केटर प्लॉट एक्स एक्सिस पे भी न्यूमरिक वेरिएबल और वाई पे भी न्यूमरिक वेरिएबल हम ले रहे हैं, ठीक है, दोनों पे न्यूमरिक वेरिएबल लेकर के दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन बताता है, समझ रहे हो? दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशन है, इसका मैं एक और बताता हूं तुम्हें दूसरे तरीके से। जस्ट अ मोमेंट, एक और फाइल है, एम्प्टी कार्ड्स डेटा से जल्दी समझ में आएगा बाय वेरिएट। कार्स डेटा है ना यहाँ, कार्स डॉट सी एस वी। तो देखो मैं क्या करता हूँ, यहीं पर एक और वो बनाता हूँ, रीड करता हूँ फाइल एमडी के नाम से, रीड अंडरस्कोर सी एस वी। मैं यहाँ पढ़ लूँ कार्स अंडरस्कोर सी एस वी, लगाना पड़ेगा पाइथन से, वो पांडस से होता है ना, pd.csv। तो ये पढ़ लिया मैंने, अब मैं इसका हेड दिखा देता हूँ तुम्हें, pd.head। ये हेड हेड है ना, शुरू के पांच ऑब्जर्वेशन बता रहा है हमें, जैसे माइलेज गाड़ी का समझना इसको है ना, इसके प्लॉट के बारे में समझाऊंगा मैं भी आपको। माइलेज है और एक गाड़ी का वेट, वेट पाउंड्स में है ना, 1000 pounds, ठीक है, और ये माइलेज है पर गैलन, माइल्स पर गैलन, एक गैलन पेट्रोल में, यूएस गैलन जो गैलन में नापा जाता है, यहाँ पर तो लीटर में, वहां गैलन में चलता, तो एक गैलन में 21 माइल चलती है वो गाड़ी, समझ रहे हो ये बात को, क्लियर हो रहा है ये माइलेज क्या हुआ? मतलब एक गैलन में, यहां लीटर होता है, अपन लीटर ही एज्यूम कर लो, एक लीटर में 21 किलोमीटर चलती है, मान लो चलती है, ठीक है, अपन ये मान लेते हैं अभी, और जो वेट है 2.620, मतलब अपन 1000 का गुणा करो इससे, मल्टीप्लाई करें तो 2620 किलो का वेट है इसमें गाड़ी का, समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसा ही ये गाड़ी भी माजदा RX-4 वेगन जो है वो भी 21 किलोमीटर चलती है एक लीटर में, और इसका वेट है 2875 किलोमीटर, ये 22.8 किलोमीटर चलती है एक लीटर में, और इसका वेट है 2320 किलोमीटर, मतलब किलो, ओके, समझ में आ गया? यस सर, अपन ऐसा समझ रहे हैं। अब एक चीज अपन को मालूम है जनरली कि जैसे गाड़ी का वजन बढ़ेगा तो माइलेज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा तो सर, इधर माइलेज बढ़ेगा या घटेगा यदि वजन बढ़ाए गाड़ी का? तो मेरे हिसाब से माइलेज ज्यादा होगा ना। क्यों भाई, ट्रक का एवरेज ज्यादा होगा या कार का एवरेज ज्यादा होगा? एवरेज किसका ज्यादा होगा बताओ? एवरेज सर कार का। हाँ, तो जब वजन बढ़ाएंगे तो माइलेज कम होगा कि नहीं होगा? समझ रहे हो बात? हाँ, ज्यादा। हाँ, जैसे जैसे गाड़ी का वजन बढ़ता जाएगा उसका एवरेज कम होता जाएगा। एवरेज कम होगा, माइलेज यानी एवरेज। हाँ,
ओके समझ में आ रहा है बात को? तो हाँ माइलेज और वेट में जो कोरिलेशन है ना, कोरिलेशन जो उसके अंदर है वो नेगेटिव है। जैसे जैसे वेट बढ़ाओगे माइलेज कम होगा, नेगेटिव कोरिलेशन है, पॉजिटिव तो नहीं है। वेट बढ़ा रहे तो माइलेज भी बढ़ रहा है, समझ रहे हो बात को? यस सर। नेगेटिव नेगेटिव कोरिलेशन हुआ ये। तो अब मैं इसका एक स्केटर प्लॉट बनाता हूं, देखो ठीक है। केस का ही है क्या सर? अब इसका बना रहा हूं, इस अच्छा वाले का। तो PLT डॉट स्केटर, बेटर। ये कोरिलेशन के लिए प्लॉट बनता है। दो वेरिएबल में यदि हमें कोरिलेशन देखना है तो हम बनाते हैं। डेटा का नाम MD है, MD डॉट माइलेज। माइलेज में ले लेता हूं वाई एक्सिस पे, और वेट लेता हूं एक्स एक्सिस पे। तो जो एक्स एक्सिस पे लूंगा वो पहले लिखूंगा, और जो वाई एक्सिस पे लूंगा वो बाद में लिखूंगा। समझ में आए? ओके और मैं इसको रन करता हूं। ये देखिए, जैसे जैसे अपना वेट बढ़ रहा है, ये वेट है, ये हाँ वेट बढ़ रहा है तो माइलेज कम हो रहा है, ये माइलेज है। मैं जरा इसमें स्केल की कोशिश करता हूं, बिठा पाऊं मैं, ठीक है ना। एक सेकेंड, ये जो एक्स और वाई एक्सिस, एक्स लेब और वाई लेब आना चाहिए इसमें, ठीक है। तो मैं देख लेता हूं, बता दूंगा इसको। एक्स लेब और वाई लेब दिया जाता है इसमें, और इसके अंदर क्या रहता है फंक्शन में, एक सेकंड बताता हूँ आपको। मैट प्लॉट डिब में ना, क्योंकि तो अलग अलग लाइब्रेरी है, अलग अलग चलता है। तो मैट प्लॉट डिब में आपको बताता हूँ, वो आना चाहिए नाम। इसमें यही दिक्कत है थोड़ा पाइथन में, क्या हर चीज बताना पड़ती, वो फिर उस हिसाब से देता है। यहाँ भी नहीं दे रहा देखो लेबल, है ना, यहाँ दे रहा है एंगल और साइन। सो ये एक्स लेवल और वाई लेवल हमें अलग से देना पड़ता है इसमें। मैं इसमें दे देता हूँ, एक्स लेवल में दे देता हूँ, एक्स पे अपन ने लिया वेट WEIGHT, और वाई पे अपन ने लिया है माइलेज, है ना। तो अपन लिख देते हैं एवरेज, ठीक है, वेट और एवरेज। और टाइटल दे देते हैं एवरेज वर्सेस एवरेज वर्सेस वेट, ठीक ठीक है। और अब मैं रन करता हूं इसको, मिल रहा है सब कुछ अपन को, ठीक है। तो जैसे जैसे वेट बढ़ता है माइलेज कम होता जा रहा है, मतलब वाई कम हो रहा है ना। देखिए वेट जैसे जैसे बढ़ा रहे माइलेज कम हो रहा है, माइलेज यहां सबसे ज्यादा है तो यहां है माइलेज इधर, ठीक है। क्लियर हुआ? हाँ ये स्केटर प्लॉट का मतलब होता है कि दो वेरिएबल के बीच में रिलेशन कैसा, उनका संबंध कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव। एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है, दूसरा भी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। मान लो यदि मैं यहां पर वेट के साथ डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, एक डिस्प्लेसमेंट करके भी कॉलम है, ये DISP। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो पिस्टन जो होता है ना गाड़ी का, तो पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है ना। तो जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतना डिस्प्लेसमेंट ज्यादा चाहिए कि नहीं, पिस्टन उतना बड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए, बताओ। हाँ तो वेट बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट का भी बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, हाँ है ना। ये सेंटीमीटर में है,
तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ेगा। तो मैं डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन बताता हूं, देखो आप। तो यहां अपन ले लेते हैं ये y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, है ना, और एवरेज वर्सेस वेट, एवरेज की जगह आ गया डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? देखिए आप, वेट बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है मोहसिन? तो ये रिलेशन है दो बाइवेरिएट से। हम समझते हैं कि आपस में दो वेरिएबल में क्या रिलेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं, अलग अलग न्यूमरिक वेरिएबल में। क्लियर हो रहा है? Yes, sir, yes, sir. और जब कैटेगरिकल वेरिएबल होंगे तब हम ग्राफ तो बनाएंगे नहीं, बना सकते हैं स्केटर ग्राफ, पर ग्राफ से बेटर होता है कि हम टेबल में समझें उसको, जैसे यहां समझ रहे हैं क्रॉस टेब में, ठीक है ना भाई। मैरिड में जो घर है वो कितने लोगों के पास नहीं है, खुद के कितने लोगों के पास है, डाइवर्स्ड में कितने लोगों के पास नहीं है, कितने लोगों के पास है, सिंगल में कितने लोगों के पास नहीं है, कितने लोगों के पास है। क्लियर आ रहा समझ? और इसके हम चाहे तो परसेंटेज ले लें रो वाइज या कॉलम वाइज, ठीक है। तो परसेंट, हाँ वो मैं देखता हूं इसमें कैसे करना है। क्रॉस टेब में राइटल, इसके लिए एक फंक्शन डिफॉल्ट चेंज करने क्या क्लिक कर दो सर डेटा से पहले? ये आप फंक्शन में कहीं भी रखो, शिफ्ट और टैब, शिफ्ट और टैब, हाँ शिफ्ट और टैब, पहले शिफ्ट दबा फिर टैब दबाना, ठीक है। परसेंटेज के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए एक फंक्शन बनाना पड़ेगा परसेंटेज के लिए, ठीक है, वो मैं अभी करवाता हूं, ठीक है। तो परसेंटेज से हमें बेटर लगेगा, शायद मैंने आगे कहीं किया है। और अब मैं इसको अनकमेंट करता हूं और इसको भी देखते हैं, ये वाला स्केटर प्लॉट भी। तो आप देखिएगा ये स्केटर प्लॉट किसका हुआ, एज और बैलेंस, ये किसका हुआ। अब यदि मैंने यहां लिख दिया कि डेटा प्लॉट डॉट स्केटर, देखिएगा इन दोनों प्लॉट में अंतर देखिएगा। पहले प्लॉट में मैंने खाली डेटा डॉट सैलरी और डेटा डॉट बैलेंस दिया हुआ है, दिया हुआ है, और मैंने पीएलटी से चालू किया है। कैसे? पीएलटी लाइब्रेरी का नाम लिखा है पहले। क्लियर? दोनों के सिंटेक्स समझना, दोनों एक ही तरह के ग्राफ बना रहे हैं, है ना। यहां भी यदि मैं सैलरी लिख दूं, यहां मैंने क्यों लिया है कि सैलरी और बैलेंस जो है ना वो दोनों के दोनों जो हैं वो कंटिन्यूअस है। यहां पर ये जो है अपना एक्स एक्सिस पे जो है सैलरी और बैलेंस वो इस प्रकार से दे रहा है ग्राफ। तो यदि यहां पर मैं जो सैलरी है सैलरी की जगह एज रख दूं, थोड़ी देर मैं दोनों को कंपेयर करवाता हूं आपको ग्राफ। देखिएगा ग्राफ तो सेम बन रहा है, बन रहा है, थोड़ा साइज में अंतर है राउंड इसके सर्किल के, ग्राफ सेम बन रहा है। दूसरा डिफरेंस क्या देखने को मिल रहा है दोनों में, देखिए आप क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोनों में, इसमें और इसमें। पॉइंट के साइज को छोड़ दें, उसके अलावा क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको, देखिए ध्यान दीजिए कुछ अंतर दिख रहा है दोनों में, क्यों भाई? हाँ सर, क्या दिख रहा है?
दोनों फिगर में इसमें लिखा हो। हाँ इसमें लेबल है, एक्सिस के लेबल दिए हुए हैं बैलेंस और एज, ठीक है। अब सिंटेक्स देखिएगा क्यों आए। अपन ने एक तरीका तो ये बताया कि अपन लेबल अलग से दे सकते हैं, मैंने यहाँ दिए जैसे अलग से बाद में दिए, एक तरीका तो ये आपने देख लिया। दूसरा तरीका इसी में है, यहां मैंने पीएलटी लाइब्रेरी का नाम, फिर स्कैटर प्लॉट और डेटा और जो वेरिएबल है वो अंदर दिए हैं, डेटा डॉट एज और डेटा डॉट बैलेंस अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। यहां मैंने क्या किया, डेटा पहले लिखा है, दिख रहा है, पीएलटी की जगह मैंने डेटा लिखा है। डेटा डॉट प्लॉट, यहां मुझे स्केटर के पहले प्लॉट लिखना पड़ा, अंतर समझना दोनों में। इसकी जगह मैंने डेटा डॉट प्लॉट डॉट स्केटर, ठीक है, पर यहां मैंने लिखा एक्स बराबर एज कोट्स में, यहां मैंने डेटा डॉट एज लिखा था क्योंकि डेटा मैंने यहां मेंशन नहीं किया था, किया था नहीं किया था नहीं। वो वाई बराबर बैलेंस तो मुझे ये दे रहा है इस प्रकार से, क्लियर, ओके। अब यहां भी यदि मैं कोशिश करूं कि यहां मैं एक्स लिख दूं और यहां मैं वाई लिख दूं और फिर देखूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है, आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। तो यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको एक्सिस में नाम भी दिखेंगे, ठीक है, एज और बैलेंस, और नहीं तो आपके पास ये तरीका है कि आप अलग से लिख लो। यदि आपको इस तरीके से लिखना है तो आप यहाँ पे लिख लो, वो तरीके से टाइटल नहीं आएगा ना सर। हाँ इस तरीके से टाइटल नहीं आएगा, ये वाले मेथड से टाइटल के लिए आप मेन लिख सकते हो, मेन इक्वल टू, मैं लिख देता हूं, एज वर्सेस बैलेंस, कोशिश करते हैं अपन, आना चाहिए, नहीं दे रहा है, इसका एट्रीब्यूट नहीं है मेन, ठीक है, मेन इसका एट्रीब्यूट नहीं है। तो पाथ कलेक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो प्रॉपर्टी मेन, मेन इसका एट्रीब्यूट नहीं है, और मैं देखता हूं क्या एट्रीब्यूट है इसका टाइटल के लिए। तो अपन यहां रखेंगे कर्सर अंदर और शिफ्ट टैब दबाएंगे, यदि टाइटल का देगा एक्स वाई, और दे रहा है कि नहीं, नहीं है इसमें, है ना, नहीं, अलग से लिखना पड़ेगा, ठीक है, अलग से लिखना पड़ेगा, जैसे यहां अपन लिख रहे हैं पीएलटी डॉट एक्स लेबल्स, एक्स लेबल्स है कि एक्स लेब्स है, एक्स लेबल है, मेन के लिए हम लोग ले रहे हैं plt डॉट टाइटल, कोट्स में लिखना पड़ेगा, अब शो करें, देख रहे हैं आ गए क्यों भाई, क्लियर, हाँ सर। और इसमें भी यदि टाइटल चाहिए तो हम लिख देंगे,
आ गया यहाँ भी नीचे वाले में भी। क्लियर? यस सर। ये इस प्रकार से होता है, तो समझ में आ गया आपको ये कि स्केटर प्लॉट क्या होता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पेयर पेयर प्लॉट की। पेयर प्लॉट क्या होता है, दो से ज्यादा वेरिएबल को यदि आपको एक साथ शो करना है अलग अलग ग्राफ्स में, तो हम पेयर प्लॉट लेते हैं और पेयर प्लॉट में डेटा, हमारा डेटा नाम पहले डेटा लिखेंगे, हमारे डेटा नाम से ही डेटा है, वेरिएबल्स हम लिस्ट में लिखेंगे जो जो वेरिएबल हमें शो करना है ना, लिस्ट यानी स्क्वायर ब्रैकेट में, और प्लॉट शो करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा, देखिएगा ये पेयर प्लॉट है, ये सैलरी और सैलरी, यहां भी सैलरी, यहां भी वही रहेंगे, यहां भी वही रहेंगे, तो सैलरी सैलरी का तो ये हिस्टोग्राम देगा आपको, क्या देगा, ओके, सिंगल वेरिएबल हुआ, यूनिवेरिएट हुआ, उसी वेरिएबल का उसी वेरिएबल से मतलब क्या हुआ, यूनिवेरिएट है वो, ठीक है ना। तो यहां पर आपको दे रहा है हिस्टोग्राम, पर सैलरी का यदि बैलेंस के साथ देखें तो ये बता रहा है रिलेशन, और सैलरी का एज के साथ देखें तो ये बता रहा है रिलेशन, है ना, बैलेंस का सैलरी के साथ ये मतलब ये अपोजिट हो गया, यहां पर वाई एक्सिस में सैलरी है और एक्स एक्सिस में बैलेंस है, समझ में आ रहा है, यहां पर एक्स एक्सिस पे सैलरी हो गई और वाई एक्सिस पे बैलेंस हो गया, समझ में आया, एक्सिस चेंज हो गए, समझ गया सर, समझ में आ रहा है ना, यहां पर क्या हुआ कि बैलेंस और एज, ठीक है, और यहां बैलेंस और एज उल्टा हो गया उसका, क्लियर, ओके। तो ये होते हैं पेयर प्लॉट, तो पेयर प्लॉट हम लोग बना सकते हैं, और भी वेरिएबल न्यूमरिक हम ले सकते हैं इसमें और उनके पेयर प्लॉट बना सकते हैं, तो यहां भी स्केटर प्लॉट ही बनते हैं, ये खाली हिस्टोग्राम बनेंगे जो उसके खुद के हैं क्या, बाकी ये पेयर स्केटर प्लॉट बनाएगा, समझ गए, ओके। अब बात करते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स, क्लियर हुआ, वो सिंगल बना रहे थे, यहां अपन ने मल्टीपल बना लिए, बहुत सारे एक साथ चाहिए आपको, तो ठीक है, अब कोरिलेशन मैट्रिक्स, कोरिलेशन मैट्रिक्स में हम लोग पहले हम कोरिलेशन निकालेंगे इनका, किस किस का, डेटा में अपन ने लिस्ट लिया ये, और इसके अंदर भी स्क्वायर ब्रैकेट, एक तो वही अपन डेटा के अंदर कौन कौन से ले रहे हैं वो लिस्ट में लेंगे ना, सिंगल होता तो बिना अंदर वाले स्क्वायर ब्रैकेट की जरूरत नहीं पड़ती, पर कोरिलेशन से दो से कम में होगा ही नहीं, तो ए सैलरी और बैलेंस और कोरिलेशन हम ले रहे हैं इसका, और इसको प्रिंट कर रहे हैं, तो ये कोरिलेशन मैंने प्रिंट किया पहले, यहाँ ये कोरिलेशन है, एज का एज के साथ कोरिलेशन तो 100% होगा, 1 आएगा, कोरिलेशन हमेशा -1 और 1 के बीच में होता है, क्लियर, ओके, यस सर, यस सर, तो एज का एज के साथ तो 1 ही होगा भाई, उसी चीज का उसी चीज से कोरिलेशन है ना, वो तो 100% मिलेगा, नहीं मिलेगा, है ना, और आपको पूछ रहा था सर, एज टू एज में क्या आएगा, तो वो तो 100% मिलेगा ना, आदमी यदि खुद का खुद के बारे में तो हमेशा अच्छा ही बोलेगा, बोलेगा कि नहीं, तो ऐसा ही खुद का खुद से जो कोरिलेशन होगा तो वो तो 100% होगा, 1 होगा, एज का सैलरी के साथ 0.02 है, मतलब बहुत कम कोरिलेशन है, कितना है 0.02, तो बहुत कम कोरिलेशन, मतलब एज और सैलरी में कोई विशेष रिलेशन नहीं है, उम्र के हिसाब से तनख्वाह जो होती है, पर बैलेंस का भी कोई ज्यादा रिलेशन नहीं है एज के साथ, देखिए 0.09 है, ठीक है, पर बैलेंस का यदि हम सैलरी के साथ भी देखें तो कोई रिलेशन नहीं है, मतलब बहुत कम रिलेशन है क्या, क्यों भाई, नहीं। अब मैं यही चीज, क्योंकि यहां मैं डेटा में ये मैंने इसका ग्राफ बनाया, हिट मैप बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, हिट मैप, तो ये सीबॉन लाइब्रेरी से बना रहे हैं, किससे बना रहे हैं अपन, सीबॉन लाइब्रेरी, दो लाइब्रेरी करी थी ऊपर अपन ने, सीबॉन और मैटलिब, तो मैटलिब से तो अपन शो करेंगे प्लॉट को और सीबॉन से प्लॉट बना, ये दोनों लाइब्रेरी मिलके काम करती हैं, ठीक है, तो जो प्लॉट से हिट मैप बनते हैं, हाँ हिट मैप बोलते हैं हम इसको, तो सीएम तो वही डेटा जो अपन ने यहां निकाले थे कोरिलेशन,
और एनोट यानी ट्रू, एनोट यानी ये जो एनोटेशन है वो ट्रू रहेंगे, है ना, यहाँ जो वैल्यूज आएंगी। और सी मैप रेट्स, तो अपन रेट्स ले रहे हैं तो रेट में डार्क से लेकर के लाइट, समझ रहे हो, डार्क से लेकर के राइट। तो डार्क यानी सबसे अच्छा कोरिलेशन और लाइट यानी कम कोरिलेशन, समझ में आ रहा है। अपन इसकी जगह ब्लू से भी कर सकते हैं, क्लियर हो रहा है। तो अब मैं इसको आपको दूसरे डेटा से बताऊंगा तो और अच्छा समझ में आएगा, एम्प्टी कार्स डेटा से। एम्प्टी कार्स डेटा अपन ने एमडी नाम से सेव किया हुआ है ना, तो मैं एमडी पीएम लिख रहा हूं, और ये लिस्ट डेटा वाली जो एमडी वाली लिस्ट है वो लेता हूं मैं एमडी वाली। एमडी में क्या क्या वेरिएबल है मेरे पास, जो वेरिएबल है मैं नोट करते जाता हूं, मुझे मालूम है माइलेज है, ठीक है, क्लियर। और ये तो हमें कोर्स में ही लिखना पड़ेंगे, माइलेज है, फिर ड्रॉट है, ये भी न्यूमरिक है ना, फिर ड्रॉट के बाद है अपना वेट, देखा था अभी अपन ने वेट, और डिस्प्लेसमेंट, और एक क्यूसेक करके भी वेरिएबल है वो भी न्यूमेरिक है। ये न्यूमेरिक वेरिएबल है पांच, ठीक है, तो ये अपन ने लिस्ट में रख दिए। और डॉट को है ना कोरिलेशन, कोर का मतलब है कोरिलेशन, डॉट फंक्शन मेथड। इसके बाद ये मैं करूंगा जैसे यहां किया, और प्रिंट मैं कर रहा हूं इसमें MDCM है ना, ये प्रिंट भी करेगा। और प्रिंट के बाद फिर अपन प्लॉट बनाते हैं SNS वाला पहले, ठीक है, हीट मैप। तो मैं इसी को कॉपी करता हूं और यहां लिख लेता हूं, टाइम बचेगा अपना। यहाँ खाली मुझे MDCM लिखना और बाकी इसको मैं रेट्स कर देता हूं, ठीक है, और प्लॉट सो आई रन इट, लुक इट नाउ। यहां ज्यादा क्लियर होगा, माइलेज का माइलेज से वन, तो बिल्कुल रेड एकदम डार्क रेड, समझ गए। माइलेज का ड्रॉट के साथ 0.68 रिलेशन है, तो माइलेज और ये सेकंड नंबर का ड्रॉट है तो थोड़ा लाइट हो गया कलर, वन से कम है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हाँ सर। और माइलेज का वेट के साथ नेगेटिव को रिलेशन है, मैंने बताया था, अपन ने देखा था माइलेज वेट बढ़ेगा तो माइलेज कम होगा, हाँ, तो नेगेटिव 0.87 मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव, तो व्हाइट की तरफ आ गया। अब इसमें मैं दो कलर दे सकता हूं, तो मैं चाहूंगा कि यार इधर कुछ ग्रीन कलर आ जाए, कोशिश करता हूं, यही टेक्निक है या कुछ और है मुझे चेक करना पड़ेगा, पर उसके लिए कुछ होता है रेट्स और वो करके है, एक सेकंड मैं सीबॉन की लाइब्रेरी चेक करता हूँ, उसमें मिल जाएगा सीबॉन की स्प्रिट, क्योंकि मैं सीबॉन पढ़ाना पड़ेगा तुम्हें, और मैटप्लॉटलिब दोनों फिगर के लिए है ना, तो अपन उसको अच्छे से आगे आप समझ पाओगे, अभी तो मैं खाली काम चला लेता हूँ इससे। हिट मैप यहाँ कहीं बना होगा तो उसमें मैंने दिया था मल्टी पैलेट के लिए भी मैंने काम किया है इसमें। ये सब तरह के प्लॉट बन जाते हैं क्या, जब ये अपन को करना है, ये अपन ने किया है, ये पहले लेना था मुझे इसके, तो वाला वाला सर काम आते क्या, हाँ ये सब काम आते हैं ना, काम आते हैं, ये सब सीखना पड़ेगा, ये पहले लेना था मुझे, मैं थोड़ा सा ध्यान से उतर गया तो मैंने EDA चालू कर दिया क्या।
पहले ग्राफ समझते हैं उसके बाद ईडीए पे आते, पर अभी अपन कर लेंगे इसको, अभी यहाँ थोड़ा सा ईडीए थोड़ा सा ही बचा है। तो पीयर ग्रिड हीट मैप भी मैंने दिए हैं, देखता हूँ। ये अपन दो कलर ले लेते हैं इसमें। मैं चाहूंगा कि आरडी ये वाला ले लेते हैं अपन, ये दो कलर के कॉम्बिनेशन आरडी बीयू अंडरस्कोर आर, तो ये वाला लेते हैं अपन इसमें। ज्यादा लग गया, देखते हैं काम करना चाहिए। समझ में आया? कलर कोड है क्या सर? है कलर कोड है? हाँ कलर कोड है, तो ये रेड, हाँ रेड टू ब्लू जाएगा, रेड टू ब्लू जाएगा, जो नेगेटिव है जीरो के बाद ब्लू हो जाएगा, जीरो के पहले मतलब माइनस में जो आएंगे वो ब्लू में है, और जो प्लस में है वो रेड में। समझ गए? कैसा कैसा हुआ सर ये माइनस और प्लस का अलग अलग? ये अपन ने ये कलर जो कोडिंग लिया ना सी मैप, रेड ब्लू सर, वो कहां से आप क्या गए थे, कहां गए थे वो बताओ ना वापस। किससे अभी वो आप कहां गए थे, वो कलर कोड आप कहां से दिख रहे थे सर? मैं बता रहा हूं, वो अभी अपन सब इसी वॉन में है, बताता हूं। ये है तो इसका ये फंक्शन अपन चलाएंगे, तो इसमें मिल जाता है अपन को कि भाई एसबी करंट पैरेट एसबी पैलेट पे कौन कौन से हैं, तो ये अपन देख सकते हैं। यदि अपन गलत लिख देंगे तो पूरे बताएगा, क्या होता है अपन को गलत लिखो सही मत लिखो, ठीक है? तो यदि मैं गलत लिखूंगा यहाँ पे कुछ और मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे बताएगा, ये बता ना वैल्यू एरर में। तो आप गलत लिखोगे तो बता देगा यार ये था, आपने ये लिखना था, आपने बी ए लिख दिया, बी यू लिखना था, यहाँ आप ढूंढ लो। पी यू भी लिख सकते हैं, ये डबल वाले हैं। देखो इसमें दो चीज मालूम कैसे पड़ेगा कि ये जैसे पिंक का पी यू है, ऐसा कैसे मालूम पड़ता है? अरे याद हो जाता है, धीरे धीरे याद हो जाती है चीजें। क्या ये येलो रेड है? देखो ना ये मैं करता हूँ, आप एक दो एक प्रैक्टिस करना पड़ता है, एक आध बार आप करके सब अलग अलग कलर लगा के देखोगे तो चीजें समझ में आ जाती हैं। क्या जैसे मैं यहाँ करता हूँ, ये बिठा दिया मैंने, अब ये देखिए, अब येलो से रेड पे जा रहा है, मतलब रेड वाले जो हैं वो माइनस में है और येलो वाले जो हैं वो प्लस में है। क्लियर? तो आप जैसा चाहो वैसा ले सकते हो हीट मैप। ओके तो ये था न्यूमरिक वाला, ये काय के लिए था? न्यूमरिक टू न्यूमरिक पीयर प्लॉट अपन ने जो लिया था अभी, ये जो अपन बायवेरिएट एनालिसिस कर रहे थे, ये न्यूमरिक टू न्यूमरिक किया, ठीक है? अब हम न्यूमरिक और कैटेगरिकल दोनों, एक न्यूमरिक और एक कैटेगरी वाला, समझ में आ रहा है? यस सर। तो यहां पर एक रिस्पॉन्स है, एक सैलरी है ना? तो हम देखते हैं कि सैलरी क्या है, रिस्पॉन्स क्या है। तो उसके लिए आपको यदि यहीं पे दोबारा चेक करना हो तो मैं यहीं कर देता हूं, डेटा डॉट इन्फो लिखेंगे तो उसकी इंफॉर्मेशन निकल आएगी। ये बता देगा भाई कौन सा न्यूमरिक है, तो जो ऑब्जेक्ट है वो कैटेगरिकल है ना? तो अपन ने यहाँ कौन कौन से ले रहे हैं, रिस्पॉन्स और सैलरी। तो आप देखिएगा जो रिस्पॉन्स है यहाँ पे, ये क्या है, कौन सा है?
न्यूमरी के कैटेगरी का ले, कैटेगरी कैटेगरिकल ऑब्जेक्ट याने कैटेगरिकल, और कैटेगरी इंटीजर याने न्यूमरिक, इंटीजर हो या फ्लॉट हो ये न्यूमरिक है। तो ये तो अपन कैटेगरिकल ले रहे हैं, और सैलरी जो है वो अपन न्यूमरिक ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं इसको डेटा डॉट ग्रुप बाय, ग्रुप बाय कर रहा हूँ रिस्पॉन्स के हिसाब से, रिस्पॉन्स जो कैटेगरिकल है मेरा। तो पहले एक चीज और दिखाना चाहूंगा इसमें मैं तुम्हें, वो भी समझ लो अपन, देखें कैटेगरी कौन कौन सी है ये भी तो देखें, है ना। डेटा डॉट नहीं, डॉट नहीं करते हम लोग, डेटा और इसमें रिस्पॉन्स और डॉट यूनिक। ओके, तो ये कैटेगरी हो रहा है, हमारे पास तीन है, नो यस एंड नेन नॉट ए नंबर, ये मिसिंग वैल्यूज भी है कुछ इसमें। क्लियर? रिस्पॉन्स क्या है? यस और नो, और कुछ वैल्यूज खाली भी हैं जिसको ये नेन लिख रहा है, नॉट ए नंबर। क्लियर हुई ये बात? यस सर। तो अपन देखते हैं अब इसका ग्रुप बाय, मैंने रिस्पॉन्स किया है सैलरी, सैलरी का मीन भाई, यस का मीन कितना आ रहा है, जो हाँ बोल रहे हैं रिस्पॉन्स यस बोल रहे हैं उनका मीन कितनी है सैलरी, और जो नो बोल रहे हैं उनकी मीन सैलरी कितनी है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ग्रुप बाय फंक्शन हम लोग यूज करते हैं इसमें। तो यस जो बोल रहे हैं उनकी मीन सैलरी है 58,771 रुपए, नो जो बोल रहे हैं उनकी मीन सैलरी 56,770 रुपए। क्लियर हो गया? ओके यस सर। अपन और कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं, मैं मेराइटल वाला ले लेता हूं, रिस्पॉन्स की जगह मैं ले लेता हूं मेराइटल। ठीक है, तो देखिएगा डाइवर्स लोगों की सैलरी इतनी है, मैरिज की इतनी है, और सिंगल की मीन है, मीन सैलरी। और मैं बताता हूं, और मैं बताता हूं, चिंता मत करो। मैं डेटा की जगह एमडी ले, डेटा ले रहता हूं, एमटी कार्स वाला याद है, एमटी कार्स का डेटा ले रहा हूं, और एमटी कार्स में कुछ कॉलम है, एक कॉलम है वीएस, वीएस का मतलब होता है वीसेप्ट इंजन और स्टेट इंजन। ठीक है, दो प्रकार के इंजन है कारों में, किसी में वीसेप्ट इंजन लगा और किसी में स्टेट इंजन लगा है। समझ रहे हो? एक तो ये ले सकते हो, या एक और है कैटेगरिकल कॉलम वहां पर एम, एम यानी गियर ट्रांसमिशन, ये ले लेते हैं अपन। गियर ट्रांसमिशन यानी ऑटोमेटिक गियर और मैनुअल गियर। क्लियर हो रहा है? क्यों भाई? ऑटोमेटिक और मैनुअल। ठीक है, तो वो कॉलम पहले अपन देख लें, इन्फो ले लेते हैं, तो इन्फो से समझ में आ जाएगा। इन्फो, सो इन्फो से समझ में आ रहा है, हमारे पास एक है गियर ट्रांसमिशन करके, है ये ऑब्जेक्ट क्या, गियर ट्रांसमिशन। अब इस गियर ट्रांसमिशन में हम देखते हैं भाई कि कितने हैं, एमडी कितने हैं, मैनुअल और ऑटोमेटिक दो ही हैं। क्या बता रहा है? मैनुअल और ऑटोमेटिक। क्लियर हुआ? दो कैटेगरी। अब मैं इस पे काम करता हूं। क्लियर? ओके यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूं, एमडी डॉट ग्रुप बाय, ओके, और इसमें लिख रहा हूं मैं सॉरी, ग्रुप बाय किसके द्वारा करूंगा, यहां किसके द्वारा किया था, कहां गया वो, मेरा राइट है, यहां अपन ग्रुप बाय किसके द्वारा, कैटेगरिकल होगा उसके द्वारा ग्रुप बाय होगा हमेशा, तो कैटेगरिकल हम ले रहे हैं गियर ट्रांसमिशन, कौन सा ले रहे हैं,
या ट्रांसमिशन, ये राउंड ब्रैकेट में आएगा ग्रुप बाय, और उसके बाद जो लिखोगे वो आप न्यूमेरिकल जो लिखोगे वो स्क्वायर ब्रैकेट में लोगे, ठीक है। तो गियर ट्रांसमिशन को मैं माइलेज के साथ कर रहा हूं, किसके साथ, एमपीजी। एमपीजी हमारा न्यूमेरिक है, देखिएगा क्लियर, ओके। और मैं इसमें मीन देखता हूं, अब फंक्शन लिखूंगा क्या चाहता हूं मैं, मीन, क्लियर। अब मैं दिखाता हूं, देखो आपको चीजें समझ में आएंगी। जो ऑटोमेटिक व्हीकल है, ऑटोमेटिक कार है, उनका एवरेज है 17 किलोमीटर एक लीटर में, समझ में आ रहा है। और जो मैनुअल कार है उनका, यदि पूरी जो जितनी भी मैनुअल कार है हमारे पास 32 गाड़ियां हैं टोटल, जिसमें कुछ मैनुअल है और कुछ आपके पास ऑटोमेटिक है, ठीक है। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, चलिए वो अभी दिखाता हूं मैं कौन सी कितनी है। क्या करना पड़ेगा हमें, एमडी डॉट गियर ट्रांसमिशन है ना, और वैल्यू काउंट डाल के डॉट कुछ गड़बड़ हो रहा है सिंटैक्स में, वो कॉलम पे आएगा ना ट्रांसमिशन, गियर ट्रांसमिशन सर, हाँ उसमें रख लेते हैं, मैं डॉट हटा के लिस्ट में कर देता हूँ इसको, ठीक है। क्या होता है, अलग अलग सिंटेक्स होते हैं, लफड़ा हुआ जाता है। ट्रांसमिशन से स्पेलिंग स्पेलिंग गलत है क्या, यहाँ देख लेते हैं अपन, यहाँ बनाए थे ना ऊपर सिंगल वाली बनाई है ना अपन, आपने वो डाले थे सर, अपन ने किया था ये काउंट डॉट लगाया अपन ने, काउंट्स है, काउंट लिख दिया मैंने, अब थोड़ी सी मिस्टेक में गड़बड़ हो जाता है। कहाँ गया, काउंट्स वैल्यू अंडरस्कोर काउंट्स, और वहां भी तो वही लिया है मैंने, हम एक काम करते हैं, ये थोड़ा सर ये हटा दीजिए, नहीं नहीं रखना पड़ेगा, कॉलम रखना पड़ेगा, वो इसलिए रखना पड़ेगा कि दो दो लेटर में है ना, बीच में स्पेस है, अलग अलग पड़ेगा फिर वो, उसको ये डॉट गलत लगा रहा है ना अपन, यहाँ डॉट थोड़ी लगता आगे, क्यों भाई हो गया, ऑटोमेटिक 19 और मैनुअल 13 गाड़ी है, तो ये जो ऑटोमेटिक 19 गाड़ी है उन सब गाड़ी का उन्होंने माइलेज को एवरेज को जोड़ा और 19 से भाग दे दिया, तो ये उसका मीन आ गया, क्लियर हुआ, 19 गाड़ियों का जो एवरेज था ऑटोमेटिक वाली उनका सबका जोड़ के और कुल संख्या से भाग दे करके मीन निकाले कि एवरेज मीन ऑटोमेटिक गाड़ियों का इतना है, क्लियर।
और एवरेज मीन मैनुअल गाड़ियों का इतना है, 24 मीन का एवरेज, और एवरेज सॉरी मीन ऑफ माइलेज, समझ में आया कि नहीं आया? तो आया भाई मोहसिन है ना, आप देखेंगे ना, यदि हमें स्कूटर और बाइक की बात करें है ना, अपन वो महंगी बाइक छोड़ दें, रेसिंग बाइक बाइक को छोड़ दें, हीरो होंडा जो सिंपल गाड़ियां होती हैं अपन उसकी बात करें, बॉक्सर वगैरह प्लेटिनम जो वगैरह जो आती हैं, उनका एवरेज कितना होता है? फैमिली बाइक जिसको हम बोलते हैं 70-80 सौ होता है, लिखती है कंपनी लिखे 70 तो देता, आप 100 लिखेगी तो 70 तो एवरेज मिलता है उन गाड़ियों में, है ना? जो फैमिली बाइक की बात कर रहा हूँ मैं, रेसिंग वाली नहीं कर रहा हूँ, है ना? और जो स्कूटर्स होती हैं जैसे ड्यूइट हुआ या एक्टिवा हुआ, उनका एवरेज कितना लिखती है? 50-55 लिखती है कंपनी, तो 45 40 45 मिल जाता है अपन को। तो आप देखिए वो एटम ऑटोमेटिक गाड़ी है, एक्टिवा वगैरह क्या है, ऑटोमेटिक गियर है उसमें, नहीं। है कि नहीं? ऑटोमेटिक गियर है तो उनका एवरेज कम है कि नहीं है, समझ में आ रहा है? और जो मोटरसाइकिल है हीरो होंडा वगैरह, उसमें मैनुअल गियर है, टेयर से डलते हैं, उसका एवरेज ज्यादा है कि नहीं है? सर डिफरेंस समझ में आ रहा है? ऐसा ही कार में होता है, ऑटोमेटिक कार होंगी तो उनका एवरेज जो बता रहा है ऑटोमेटिक कार का, वो 17 किलोमीटर पर लीटर है, समझ रहे हो? 1 लीटर में 17 किलोमीटर चलेंगी। पर जो मैनुअल गियर वाली कार है जो अपन चलाते हैं जनरली, है ना, अपने सब मैनुअल गियर की कारें ज्यादा यूज होती हैं, ऑटोमेटिक तो बहुत कम यूज होती है इंडिया में अभी भी, तो उनका गियर उनका एवरेज बता रहा है वो 24 किलोमीटर पर लीटर। क्लियर बोल रहा है, डेटा सही दे रहा है आंसर? तो भाई सर एवरेज जो उनका है वो, यदि अपन गाड़ियों का सबका देखें तो वो 24 किलोमीटर के लगभग एवरेज आता है, और ऑटोमेटिक का 17 किलोमीटर के लगभग। समझ में आ गई अब चीज? क्यों भाई, है ना? अब इसी में यदि मैं बॉक्स प्लॉट बनाऊं, मैं इसी का बॉक्स प्लॉट आपको बताता हूं एमटी कार्स का, क्योंकि एमटी कार्स का डेटा ज्यादा अच्छा है समझने के लिए, क्योंकि सिंपल डेटा है। तो एमडी डॉट रिस्पॉन्स की जगह अपन क्या ले रहे हैं, गियर ट्रांसमिशन ले रहे हैं, है ना? तो मैं लिख लेता हूं, और एमडी डॉट माइलेज एमपीजी, देखते हैं बनाता है कि नहीं बनाता है। नहीं बना रहा, क्यों नहीं बना रहा है? तो हम एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं और ये हम स्क्वायर ब्रैकेट डालते हैं, क्योंकि डबल वाला है उस पे चलेगा नहीं, और देखते हैं बना दिया, ठीक है, ओके। तो ये गियर प्लॉट बन रहा है, गियर प्लॉट, ये बॉक्स प्लॉट बन रहा है। बॉक्स प्लॉट में क्या बता रहा है कि जो मैनुअल गाड़ी है, मैनुअल गियर है जिसमें, उसका एवरेज मतलब जो जो अपनी 19 गाड़ियां हैं मैनुअल, है ना, 19 है सॉरी मैनुअल 13 गाड़ी है, कितनी है? 13 गाड़ी है। 13 गाड़ियों में सबसे कम जो एवरेज, सबसे कम जो एवरेज दे रही है गाड़ी, माइलेज दे रही है वो 15 के लगभग, 15 किलोमीटर का एवरेज देती है पर लीटर, और मैक्सिमम जो हमें दे रही है करीब 34 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज दे रही है, ये 13 गाड़ियां हैं, समझ में आ गया? सर और ये उनका मीडियन एवरेज है ना, मीडियन, उस एवरेज का मीडियन कितना है, मतलब जो माइलेज का मीडियन, माइलेज बोले अपन एवरेज में कंफ्यूज हो जाओगे आप, माइलेज का मीडियन ये है, माइलेज का फर्स्ट क्वार्टाइल ये है, माइलेज का थर्ड क्वार्टाइल ये है। इसी प्रकार जो ऑटोमेटिक गाड़ियां हैं उनका मिनिमम माइलेज करीब 11 किलोमीटर के लगभग ही है, समझ गए, और मैक्सिमम माइलेज लगभग 24 किलोमीटर के लगभग है, समझ में आ रहा है? क्यों भाई, सर इसको अपन और समझ सकते हैं इसे,
मिनिमम मिनिमम माइलेज ओवरऑल देखा जाए तो वो 10.40 है, मतलब यहां पे आ रहा है, आ रहा है ठीक है। और मैक्सिमम 33.9, वही मैंने बोला 34 के लगभग। यहां अपन ने बाइफरकेट नहीं किया, यहां तो पूरी गाड़ियों का बता रहा है, पूरी जो 32 गाड़ियां हैं उनका बता रहा है, 32 लगा है ना अकाउंट। ओके क्लियर हुआ? हाँ सर। यदि मुझे में क्लियर हो गया ये कि नहीं, ये कैटेगरी के हिसाब से दे दिया इसने, अपन ने बॉक्स प्लॉट लिया है एमडी गियर ट्रांसमिशन डॉट ये करके ठीक है। इसी प्रकार पिछले वाले डेटा में रिस्पांस और सैलरी का बनाया था मैंने, तो वो इस प्रकार से बॉक्स प्लॉट बता रहा है। बात एक ही है, मैंने माइलेज से समझा दिया आपको, माइलेज से अपन ऐसे बॉक्स प्लॉट बना सकते हैं। अब जो तीसरी चीज है, अभी अपन ने जो लिया था एक कैटेगरिकल था और एक क्या था, न्यूमरिक था, समझ रहे हैं? वेरिएबल अपन ने कैटेगरी वाइज ग्रुप बाय किया था, वही ग्रुप बाय करके मैं बता सकता हूं इसको भी, अपन वो भी चीज मैं आपको बता देता हूं। तो इसको ग्रुप बाय कर लेते हैं अपन, ये ग्रुप बाय फंक्शन मैंने यहां लिया हुआ है। इसकी जगह में खाली मिनिमम वैल्यू, तो आप देखिए मैनुअल की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 15 है, और ऑटोमेटिक की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 10.4। क्लियर आया समझ में कि नहीं? यस सर। और मैक्सिमम वैल्यू देखना चाहें तो आप मैक्सिमम देख सकते हो, तो मैक्सिमम जो ऑटोमेटिक की मैक्सिमम है वो ये है 24 point something, देखिए आप है, और जो मैनुअल की मैक्सिमम है वो 33.9 है। क्लियर आगे समझ में? तो ऐसे ग्रुप बाय करके देख सकते हैं हम इसको। अब हम बात कर रहे हैं कैटेगरिकल का, कैटेगरिकल के साथ ठीक है। तो यहां पर मैं वही डेटा ले लेता हूं एम्प्टी कार्स वाला ठीक है, वो थोड़ा इजी है। एक मैं पहले मैं इसको रन कर लेता हूं, तो चीज समझ में आए हमें। क्रिएट रिस्पांस रेट फॉर न्यूमेरिकल डेटा टाइप वी आर रिस्पांस यस वन एंड नो, तो रिस्पांस रेट कितना है, एनपी वेयर डेटा रिस्पांस यस 1 और 0। अच्छा इनकी काउंट दे रहा है दोनों के ठीक है ना, ये तो काउंट दे रहा है। तो ये यदि हम अपने एमबी के हिसाब से देखें और एमडी के हिसाब से मैं खाली गियर्स ले लेता हूं ना, एक नया वेरिएबल बना रहे हैं अपन, ये वेरिएबल है नहीं, ये अलग से बनाया है अपने नया, और एनपी डॉट वीयर, और इसमें मैं दे रहा हूं एमडी डॉट, अपन यहां ले रहे थे गियर ट्रांसमिशन ना, तो डॉट ना लेंगे, दो लेटर है उसमें, गियर ट्रांसमिशन इक्वल इक्वल टू मैनुअल एम है, ऑटोमेटिक को वन कर रहा है,
ऑटोमेटिक जो है उसको मैं वन लिखूंगा, ठीक है, और जो ऑटोमेटिक नहीं है उसको जीरो से मेंशन करूंगा, देखते हैं काम करता है नहीं करता, काउंट भी तो करना है, काम तो कर गया। एमडी डॉट, ये जो मैंने नया कॉलम बनाया गियर है ना, तो मैं गियर लिख दूंगा खाली, एक ही वर्ड है गियर्स, और डॉट वैल्यू मतलब इसकी वही टेबल देख रहा हूँ, वैल्यू डॉट अंडरस्कोर काउंट जो होती है वो टेबल बताती है, तो वही बता रहा है जो अपन ने पहले देखी थी भाई, यहाँ वन और जीरो कर दिया मैंने उसको, यहाँ वन एंड जीरो कर दिया। अब क्या किया है इन्होंने, रिस्पांस रेट मीन प्लॉट बार प्लॉट शो, देखें इनका क्या बनाया है इन्होंने, अच्छा ये बनाया है डाइवर्स मेरिट और सिंगल मेराइटल, मेराइटल का रिस्पांस रेट, और ये रिस्पांस रेट का मतलब क्या हुआ इनका, ये तो टोटल की रिस्पांस रेट बता रहा है, एवरेज वैल्यू ऑफ रिस्पांस रेट लिया उसने उसका, ठीक है, रिस्पांस रेट के हिसाब से, काउंट नहीं है ये, रिस्पांस रेट के हिसाब से एवरेज लिया है, तो अपन रिस्पांस रेट 19 मेराइटल इज विद एवरेज वैल्यू ऑफ रिस्पांस रेट, ठीक है, अपन यहाँ ले लेते हैं एक और वेरिएबल है अपने पास, उसमें इन्फो में देखें अपन नंबर ऑफ सिलेंडर है, और इन्फो में देखते हैं ना, नंबर ऑफ कार्बोरेटर ले नहीं, नंबर ऑफ कार्बोरेटर हमारा कैटेगरिकल है, वो न्यूमरिक है, ये भी न्यूमेरिक है, नंबर ऑफ सिलेंडर कहाँ दिया है, नंबर ऑफ सिलेंडर भी न्यूमेरिक है, देखते हैं, गियर्स करके भी हुआ, नंबर ऑफ सिलेंडर ले लेते हैं, मैं इसी कॉपी करता हूँ, इसी में चेंज कर देंगे, टाइम बच जाएगा अपना, राइट एग की जगह मैं ले रहा हूँ नंबर ऑफ सिलेंडर, यही है स्पेलिंग, नंबर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, और डेटा हमें करना पड़ेगा एमडी, और रिस्पांस रेट की जगह हमें लेना पड़ेगा क्या लिया अपने, गियर्स, देखते हैं ड्रॉ करता है कि नहीं, कर दिया इसने। अब देखिए चार गियर, चार सिलेंडर, छह सिलेंडर, आठ सिलेंडर, तो चार सिलेंडर का जो गियर्स का रिस्पांस रेट है वो मीन रिस्पांस रेट इतना है, छह सिलेंडर का मीन रिस्पांस रेट इतना है, और आठ सिलेंडर का मीन रिस्पांस रेट इतना है, ठीक है, ये इस प्रकार से दे रहा है, इसका कोई पर इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कैटेगरिकल का आप मीन निकाल रहे हो, कैटेगरिकल यानी ये अपना कैटेगरिकल है 19 और 13 जो है वो कैटेगरिकल है, तो वो कोई मतलब नहीं है, इस ग्राफ का कोई सेंस नहीं है, अपन को इस तरह की ग्राफ नहीं करना है, ठीक है, इसमें मैं दूसरे तरीके के बताऊंगा आपको, स्टैक डायग्राम अपन ले सकते हैं,
ना, स्टेक प्लॉट ले सकते हैं, स्टेक प्लॉट बेटा है, ये चीज उचित नहीं लगी मुझे, इससे कुछ निकल नहीं रही, इंफॉर्मेशन नहीं आ रही बाहर। अपन ग्राफ यूज करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन बाहर लाने के लिए, है ना, तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है प्रॉपर। तो स्टेक प्लॉट में बता देता हूं कैसे बनेंगे, ठीक है, अपन इसकी जगह स्टेक प्लॉट बनाते हैं। ये तो कोई मतलब नहीं है, कैटेगरिकल टू कैटेगरिकल एनालिसिस ऑफ अ टारगेट वेरिएबल कॉलम इज रिस्पांस रेट, हाउ डिफरेंट कैटेगरीज लाइक एजुकेशन मैरिटल स्टेटस आर एसोसिएटेड विद द रिस्पांस कॉलम, सो इंस्टेड ऑफ यस एंड नो वी कन्वर्ट देम इन। तो ये इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, जो हमें चाहिए वो इंफॉर्मेशन नहीं आ रही इससे, इस ग्राफ से नहीं आ रही है। तो देखता हूँ मैं, स्टेक प्लॉट बनाएंगे, स्टेक प्लॉट से इंफॉर्मेशन सही निकलेगी हमें। सर बोलो, जाना था, चलो ठीक है, कल अपन देखते हैं इसको, ये थोड़ा सा बचा है खाली लास्ट पोर्शन ईडीए का, इसके बाद फिर अपन ये विजुलाइजेशन देखेंगे। ये विजुलाइजेशन वाली पार्ट एक प्रकार मल्टीवेरिएट में भी क्या हिट मैप और ये ठीक बनाना है, और इसके बाद सीधे सीबॉन और मैटप्लॉटलिब पहले करेंगे और सीबॉन बाद में करेंगे, ठीक है, और है फिर एक सर। बार इसको ईडीए को लास्ट में एक बार और रिव्यू करेंगे, ये दोनों लाइब्रेरी होने के बाद, कौन सी जो नो विजुलाइजेशन वाली, इसका एक बार और ईडीए को अपन रिव्यू कर लेंगे, तो वो अपना क्लियर हो जाएगा कि हाँ कैसे हम लोग एनालिसिस करते हैं एक्सप्लोरेटरी डेटा, है ना, क्या क्या चीजें देखा जाता है, ठीक, ओके, तो ओके ठीक है, आज का अपन एंड करते हैं, और ये मैं शेयर कर दूंगा आपको।